Hello dear student, myself Jai Gia. Today I am going to discuss with you our topic error. Okay, now what is error? Let us take its definition. Okay, so inaccuracy in measurement is known as error. मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को मेजर करते हो तो उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, मतलब कि उसका वैल्यू कुछ प्रॉपर वैल्यू के आसपास होता है पर एग्जैक्ट नहीं होता है, दैट इज नोन एज एरर. ठीक है, एरर कैन बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट दैट इज सिस्टमैटिक एरर एंड सेकंड दैट इज रैंडम एरर. ठीक है, अभी सिस्टमैटिक एरर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. सिस्टमैटिक एरर आर दोज एरर्स who tend to be in one dimension, either positive or negative. ठीक है, हमारे पास दो टाइप के डायरेक्शन होते हैं, एक है पॉजिटिव डायरेक्शन, दूसरा है नेगेटिव डायरेक्शन. तो सिस्टमैटिक एरर मतलब इस तरह के एरर जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो. अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो सभी के सभी पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो सभी के सभी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो उसको बोला जाता है सिस्टमैटिक एरर. ठीक है, अभी बात करेंगे सोर्स ऑफ सिस्टमैटिक एरर के बारे में, किस वजह से आपका सिस्टमैटिक एरर प्रोड्यूस होता है, व्हाट आर दी सोर्सेस. ठीक है, तो फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर. अभी इंस्ट्रूमेंटल एरर किसको बोला जाता है, तो अच्छा दिस काइंड ऑफ एरर प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ यू नो इम्परफेक्ट डिजाइन ऑफ यू नो योर इंस्ट्रूमेंट और इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर हम किसी भी स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर एक वेट लटकाते हैं, अगर पहले से ही पॉइंटर जो आपका है वो 0.1 ग्राम इंडिकेट करता है इंस्टेड ऑफ जीरो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट जीरो की बजाय 0.1 पर होने की वजह से मतलब वहां पर जो भी मेजरमेंट होगा उसमें इनएक्यूरेसी प्रोड्यूस होगी, तो इसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. यानी कि इंस्ट्रूमेंट अगर गलत है या फिर उसमें कोई कैलिब्रेशन गलत है तो मे बी प्रोड्यूस हो सकता है. दूसरा है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. ठीक है, अगर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं ह्यूमन बॉडी का, तो अगर थर्मोमीटर है वो ह्यूमन बॉडी से इम्प्रॉपर कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो उसकी वजह से लाइक जो भी टेम्परेचर मिलेगा वो टेम्परेचर गलत होगा. जैसे कि प्रॉपर टेक्निक है टेम्परेचर मेजर करने का ह्यूमन बॉडी, अगर आप टंग के नीचे थर्मोमीटर रखते हो तो वो आपका प्रॉपर यू नो टेम्परेचर दिखाएगा, पर जनरली छोटे बच्चों के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम उनके जो अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रख के वहाँ से मेजर करने का ट्राई करते हैं. बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए, तो वहाँ पर जो भी लाइक आपको मिलेगा टेम्परेचर वो थोड़ा सा इम्परफेक्ट होगा, इस वजह से ये सेकेंड प्रोड्यूस होता है. थर्ड दैट इज पर्सनल एरर. ठीक है, सच एन एरर अराइज ड्यू टू इंडिविजुअल्स बायस. ठीक है, क्लियरनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन और इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द एपरेटस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. मतलब अगर आदमी अपने से कोई गलती करता है, जैसे कि लाइक वो कुछ अलग से देखता है या फिर उसका इंस्ट्रूमेंट उसने प्रॉपर नहीं सेट किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो एरर प्रोड्यूस होता है इसको बोलते हैं हम पर्सनल एरर. तो ये तीन चीजें थी जिसकी वजह से हमारा सिस्टमैटिक एरर प्रोड्यूस होता है. लेट अस डिस्कस अवर सेकंड एरर दैट इज रैंडम एरर. सो व्हाट इज द डेफिनेशन, द रैंडम एरर आर दोज एरर्स व्हिच अराइज ड्यू टू इररेगुलर एंड अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन द फैक्टर अफेक्टिंग द मेजरमेंट ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, मतलब कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उस एक्सपेरिमेंट में ऐसे अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस हो जिसकी वजह से आपका एक्सपेरिमेंट इफेक्ट करता है, तो उसको रैंडम एरर बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ एरर्स कैन बी बोथ
पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और सच एरर्स कैन एस्टिमेटेड बाय टेकिंग मेनी ऑब्जर्वेशन एंड देन टेकिंग देयर मीन और एवरेज वैल्यू, तो ही हम इस तरह का रैंडम एरर का यू नो आंसर ला सकते हैं। चले ठीक है, नाउ फर्दर टॉपिक दैट इज एस्टिमेशन ऑफ एरर। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ एरर को हम मेनली तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है एब्सोल्यूट एरर एंड एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है उसकी बात करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। सो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया। इफ वी डोंट नो द ट्रू वैल्यू देन एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज कंसिडर एज ट्रू वैल्यू। अगर हम ट्रू वैल्यू नहीं जानते हैं तो एवरेज वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ए है जिसके हमने डिफरेंट मेजरमेंट्स लिए थे, दैट इज ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन। सो एवरेज वैल्यू, उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं ये हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। सभी का एडिशन करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, यानी ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू प्लस ए एन डिवाइड बाय एन। सपोज करो 10 होते तो ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू प्लस ए टेन अपॉन 10, इस तरह से आपका एवरेज वैल्यू हो सकता था। नाउ एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट। ठीक है, अभी हमने ये सिर्फ एवरेज वैल्यू निकाली। अब एवरेज वैल्यू यानी आपकी ट्रू वैल्यू, मैंने बताया आपको कि अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो एवरेज वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी थी, तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड करते हैं, तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर इन इंडिविजुअल मेजरमेंट दैट इज डेल्टा ए वन इज इक्वल टू मॉड, यहां पर मैंने ये जो दो किए हुए उसको मॉड बोलते हैं, बिकॉज ये डेल्टा ए वन की वैल्यू आइदर पॉजिटिव हो सकती है आइदर नेगेटिव हो सकती है, पर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ पर मॉड ले रहा हूं ताकि मुझे आंसर ऑलवेज प्लस मिले। सो इन ब्रैकेट ए बार माइनस ए वन, ठीक है, उसी तरह से डेल्टा ए टू दैट इज मॉड ए बार माइनस ए टू, उसी तरह से डेल्टा ए एन दैट इज मॉड ए बार माइनस ए एन। इस तरह से आपको डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू अप टू डेल्टा ए एन मिलेंगे, जिसको हम इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डेल्टा ए बार फाइंड करेंगे। डेल्टा ए बार कैसे फाइंड करते हैं, तो सभी का एडिशन डिवाइड बाय एन, यानी डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस अप टू प्लस डेल्टा ए एन अपॉन एन। ये डेल्टा ए बार को बोलते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर। हेंस द मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि आपकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एवरेज एंड एब्सोल्यूट एरर के साथ बताइए, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई इज इक्वल टू ए बार प्लस और माइनस डेल्टा ए बार। ठीक है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। सो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है वो समझाता हूँ। सो उसका डेफिनेशन, रेशियो ऑफ द मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार टू द मीन वैल्यू ए बार ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड इज नोन एज रिलेटिव एरर डेल्टा ए। सो डेल ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार, इसको पढ़ा जाता है डेल ए। सो डेल ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। नाउ लेट अस डिस्कस परसेंटेज एरर। When the relative error is expressed as percentage, it is called the percentage error. So percentage error निकालने के लिए आपको ये जो relative error है उसको multiply by 100 कर देने का। किसको? Relative error को multiply by 100 करोगे तो आपको percentage error मिलेगा। चलिए एक example के साथ पूरा question समझ लेते हैं। ठीक है, In an experiment, refractive index of glass was observed to be 1.54, 1.53, 1.44, 1.54, 1.56 and 1.45. Calculate first average absolute error, second relative error, third percentage error. Express the result in terms of absolute error and percentage error. ठीक है,
चले। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वांटिटीज दी गई है उसको हम पहले लिख लेते हैं। सो x1 इज इक्वल टू 1.54, x2 इज इक्वल टू 1.53, x3 इज इक्वल टू 1.44, x4 इज इक्वल टू 1.54, x5 इज इक्वल टू 1.56 एंड x इज इक्वल टू 1.45। अभी हमारा काम क्या होता है तो उसका एवरेज निकालना। तो एवरेज निकालने के लिए मीन निकालने का फॉर्मूला आपके पास x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस अप टू प्लस x6 अपॉन 6, चले सबकी वैल्यू डाल दिया अपॉन 6 किया, ऊपर कैलकुलेटर की हेल्प से अगर आप कैलकुलेट करोगे डिवाइड बाय 6 करोगे तो उसका आंसर x बार इज इक्वल टू 1.51 आएगा। नाउ अब हम क्या करेंगे, सो अब इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे कैसे। सो डेल्टा x1 दैट इज मोड x बार माइनस x1, x बार मतलब 1.51, x1 मतलब 1.54, तो इसका डिफरेंस करोगे सो माइनस 0.03 आएगा, पर मोड होने की वजह से बाहर ये हो जाएगा प्लस 0.03। डेल्टा x2 दैट इज मोड x बार माइनस x2, यानी कि मोड 1.51 माइनस 1.53, अच्छा इसका डिफरेंस करोगे तो आंसर होगा माइनस 0.02, पर मोड होने की वजह से ये बाहर जाके हो जाएगा प्लस यानी 0.02। डेल्टा x3 मोड x बार माइनस x3, यानी कि मोड 1.51 माइनस 1.44, तो उसका होगा प्लस 0.07, मोड होने के वजह से भी वो प्लस ही रहेगा। डेल्टा x4 x बार माइनस x4, यानी 1.51 माइनस 1.54, ये होगा माइनस 0.03, और मोड होने की वजह से बाहर प्लस हो जाएगा। डेल्टा x5 x बार माइनस x5, यानी कि 1.51 माइनस 1.56, ये होगा माइनस 0.05, पर मोड होने की वजह से प्लस। नाउ डेल्टा x6 x बार माइनस x6, यानी 1.51 माइनस 1.45 यानी 0.06, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, डेल्टा x बार निकालेंगे कैसे, तो सभी का एडिशन डिवाइड बाय 6, यानी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस अप टू प्लस डेल्टा x6 अपॉन 6, सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.06 अपॉन 6, तो सभी का एडिशन करोगे तो आंसर होगा 0.26 अपॉन 6, दैट इज 0.043। राउंड ऑफ करोगे तो उसका आंसर हो जाएगा 0.04, ठीक है। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ एब्सोल्यूट एरर, हमें दो तरह से पूछा था, एक विथ एब्सोल्यूट एरर और एक विथ परसेंटेज एरर। सो विथ एब्सोल्यूट एरर आपका x बार मिला था दैट इज 1.51, तो इसको रखा 1.51 प्लस और माइनस, ठीक है। अभी आपका जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिला है दैट इज 0.04, सो 1.51 प्लस और माइनस 0.04 इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ना रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कैसे फाइंड करते हैं, सो डेल एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, डेल्टा एक्स बार मतलब 0.04 अपॉन एक्स बार मतलब 1.51, तो दोनों का अगर हम रेशियो लेते हैं तो आंसर होगा 0.02649, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा नियरली इक्वल टू 0.03, ठीक है। अभी उसका परसेंटेज निकालना है तो ये जो डेल एक्स है उसको मल्टीप्लाई 100 करने का, सो 0.03 मल्टीप्लाई 100 यानी 3% इज योर आंसर, ठीक है। अभी इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं विथ परसेंटेज एरर, सो वो लिखा जाता है 1.51 प्लस और माइनस 3% इस तरह से, तो ये आपका एब्सोल्यूट एरर का वाला बात हो गया पूरा। नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, ठीक है। चलिए उसमें फर्स्ट पोर्शन होता है दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सपोज करो हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज है ए एंड बी, ठीक है, ओके। और ए और बी की जो मेजर्ड वैल्यू है वो है ए प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, जहां पर डेल्टा ए एंड डेल्टा बी को बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अगर हम एडिशन करते हैं तो एडिशन की वजह से जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ठीक है। ए प्लस बी का जो आंसर है दैट इज द फाइनल टर्म, उसको जेड से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो जेड को डिनोट किया जाता है जेड प्लस और माइनस जेड, बिकॉज दैट इज द मेजर्ड वैल्यू।
इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब लेफ्ट साइड को एज इट इज रखो, राइट साइड में आप फर्स्ट टर्म ए, ये वाला बीच वाला प्लस बी, ए प्लस बी यहां पर रखो, प्लस और माइनस बीच में रखो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इस तरह से करो। ओके, फिर से एक बार ए प्लस बी, दोनों के प्लस और माइनस को बीच में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी इस तरह से रखो। बट फ्रॉम इक्वेशन वन, लेफ्ट साइड पर जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू राइट साइड पर ए प्लस बी की जगह पर आप लिख सकते हो जेड प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जेड कैंसल हो गया। सो मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन जेड दैट इज डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है, जेड का मेजर वैल्यू होता है जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड, ए का मेजर वैल्यू होता है ए प्लस और माइनस डेल्टा ए, माइनस बी का मेजर वैल्यू होता है बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। अब लेफ्ट साइड एज इट इज रख के राइट साइड में आप क्या करोगे, देखो ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, सो माइनस प्लस डेल्टा बी ये हो गया, ठीक है। चले तो ए माइनस बी फिर से जेड रखेंगे, जेड दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, सो प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। बिकॉज ऑफ इक्वेशन टू हमारे पास टोटल चार टर्म पॉसिबल हो सकती है, दैट इज डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इस तरह से टोटल चार टर्म पॉसिबल हो सकती है। पर उसमें डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखा जाता है। सो उसका रूल क्या बताता है आपको, व्हेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities, ठीक है। चले एक example से उसको समझते हैं। okay, the values of two bodies are measured to be, sorry, the volumes of two bodies are measured to be v1 is equal to 10.2 plus or minus 0.02 centimeter cube and v2 is equal to 6.4 plus or minus 0.01 centimeter cube. कैलकुलेट सम एंड डिफरेंस इन द वॉल्यूम विथ एरर लिमिट, ठीक है। एडिशन के लिए v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, v1 की वैल्यू ये रखो, v2 की वैल्यू ये रखो, ठीक है। इसको हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, a प्लस और माइनस डेल्टा a, b प्लस और माइनस डेल्टा b। तो हमारा सबसे पहले काम क्या था, a प्लस b करना, ठीक है। तो a प्लस b यानी 10 प्लस 2 प्लस 6.4 यानी 16.6 प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए 0.02 प्लस डेल्टा बी 0.01, दोनों का एडिशन करोगे तो 0.03, तो आपका जो एडिशन होगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। डिफरेंस में भी v इज इक्वल टू v1 माइनस v2, v1 यानी 10.2 प्लस और माइनस 0.02 माइनस 6.4 प्लस और माइनस 0.01, ठीक है। तो हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले a माइनस b करना, यानी 10.2 माइनस 6.4 करना, तो माइनस करोगे तो आंसर होगा 3.8 प्लस और माइनस दोनों का एडिशन 0.02 प्लस 0.01 दैट इज 0.03 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मतलब मेन टर्म में अगर एडिशन है तो एडिशन करो, पर उसका जो एब्सोल्यूट एरर है प्लस और माइनस के बाद वाला टर्म उसमें दोनों टाइम एडिशन ही होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट एरर इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन। सपोज करो हमारे पास टर्म है जेड इज इक्वल टू ए डॉट बी, मेजर वैल्यू ऑफ ए एंड बी दैट इज ए प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, ठीक है। सो जेड में जो वैल्यू होता है दैट इज जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए डॉट बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, लेफ्ट टर्म एज इट इज रख के, लेफ्ट टर्म एज इट इज रख के यहाँ पर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे। देखो आपको ये पता है ए का मल्टीप्लीकेशन होता है पहले बी के साथ, फिर ए का मल्टीप्लीकेशन होता है डेल्टा बी के साथ, डेल्टा ए का मल्टीप्लीकेशन होता है बी के साथ,
फिर डेल्टा ए का मल्टीप्लिकेशन होता है डेल्टा बी के साथ इस तरह से, है या नहीं? ठीक है, तो ये देखो ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डॉट डेल्टा बी, ये इस तरह से फॉर्मूला हो गया, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3, सॉरी ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, बाय जेड एंड राइट हैंड साइड बाय ए बी। सो यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड को जेड से और पूरे राइट साइड को ए बी से डिवाइड करूंगा, यानी जेड बाय जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड, ए बी अपॉन ए बी प्लस और माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बी अपॉन ए बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए डॉट डेल्टा बी बाय बी, जेड बाय जेड यानी 1 प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाय जेड एज इट इज, ए बाय बी सॉरी ए बी अपॉन ए बी यानी 1 प्लस और माइनस, देखो यहाँ पर ए कैंसल हो रहा था यानी बचेगा डेल्टा बी बाय बी, यहाँ पर बी कैंसल हो रहा था यानी बचेगा डेल्टा ए बाय ए प्लस और माइनस डेल्टा ए बाय ए डॉट डेल्टा बी बाय बी, बट डेल्टा ए बाय ए और डेल्टा बी बाय बी छोटी वैल्यू होने की वजह से हम इन दोनों के प्रोडक्ट को यानी कि ये लास्ट टर्म को इग्नोर कर सकते हैं। सो हमारे पास 1 कैंसिल हो गया, सो हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। द सेम इज ट्रू फॉर डिविजन ऑल्सो, मतलब डिविजन के लिए भी हम सेम फॉर्मूला लेके आ सकते हैं। सो उसका रूल क्या हो गया, When two quantities are multiplied or divided, the max relative error in the result is the sum of the fractional error in each quantity. चले एक example से हम उसको भी समझने का try करते हैं, ठीक है? In experiment to determine density of an object of mass and volume are recorded as m is equal to 3 plus or minus 0.12 kg and V is equal to 10 plus or minus 1 meter cube respectively. Calculate fractional error and percentage error in measurement of density. ठीक है, जैसे कि हम density का formula जानते हैं in standard में भी 9 and 10 हमने पढ़ा था. Density is equal to mass by volume. So rho is equal to m by V. So that is relative error produced in rho. डेल्टा रो बाय रो, यहाँ पर डिवीजन लॉ अप्लाई होगा क्योंकि एम बाय वी है, सो डिवीजन लॉ अप्लाई करोगे तो डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा, ठीक है? डेल्टा एम मतलब पीछे की टर्म, ये वाला 0.12, एम मतलब आगे की टर्म दैट इज 3, डेल्टा वी मतलब पीछे की टर्म 1 और वी मतलब आगे की टर्म 10, सो 0.12 बाय 3 यानी 0.04, 1 बाय 10 यानी 0.1, दोनों का एडिशन करोगे तो 0.14, ठीक है? परसेंटेज निकालने हैं तो आपका जो रिलेटिव एरर है उसको मल्टीप्लाई 100 करने का, यानी 0.14 मल्टीप्लाई 100 यानी 14%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? थर्ड वन, एरर ड्यू टू पावर यानी कि इंडेक्स ऑफ अ मेजर्ड क्वालिटी, ठीक है, सॉरी मेजर्ड क्वांटिटी, ठीक है? सपोज करो आपके पास इक्वेशन है जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर को कैसे लिखा जाता है, ए डॉट ए, ठीक है? सो यहाँ पर तो मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई होगा, सो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा ए बाय ए, एडिशन करोगे तो दैट इज 2 डेल्टा ए बाय ए, मतलब स्क्वायर नीचे लेके आओगे डेल्टा ए बाय ए, इस तरह से मेजर किया जाता है। सो हम बोल सकते हैं हेंस द फ्रैक्शनल एरर इन जेड इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज द 2 टाइम्स द फ्रैक्शनल एरर इन ए, ठीक है? उसी तरह से हम जेड इज इक्वल टू ए रेज टू एन को बता सकते हैं डेल्टा जेड बाय जेड एन डेल्टा ए बाय ए के तौर पर। इन जनरल अगर हम इक्वेशन रखते हैं जेड इज इक्वल टू ए रेज टू पी बी रेज टू क्यू अपॉन सी रेज टू आर, तो यहाँ पर देखो एक पावर भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, तो उसकी वजह से जो रिलेटिव एरर प्रोड्यूस इन जेड होगा दैट इज डेल्टा जेड बाय जेड, ए का पावर आगे यानी पी डेल्टा ए बाय ए प्लस बी का पावर आगे क्यू डेल्टा बी बाय बी प्लस सी का पावर आगे आर डेल्टा सी बाय सी, इस तरह से मेजर किया जाता है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ स्फीयर द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास इज 0.26% एंड द परसेंटेज एरर इन मेजर्ड ऑफ रेडियस इज 0.38%।
व्हाट विल बी द परसेंटेज एरर इन द डिटरमिनेशन ऑफ इट्स डेंसिटी। ठीक है, चले एक, जैसे कि हम जानते हैं रो इज इक्वल टू एम बाई वी, एम एज इट इज, वी वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इट इज रिटन एज 4/3 πr³। ठीक है, पर 4/3 π कॉन्स्टेंट होने की वजह से अगर मैं रिलेटिव एरर लेता हूँ सो डेल्टा रो बाय रो डेल्टा एम बाय एम, क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं था इसलिए डेल्टा एम बाय एम। ठीक है, 4/3 कॉन्स्टेंट होने की वजह से उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। आर क्यूब है तो पावर नीचे आ जाएगा, यानी 3 δr/r डेल्टा एम बाय एम। एम मास की वैल्यू है 0.26%। ठीक है, रखा हमने 3। आर रेडियस की वैल्यू है 0.38%, रखा हमने 3 × 0.38 मतलब 1.14 प्लस 0.26 यानी 1.40%। इस तरह से आपका मेजरमेंट होता है। तो इस तरह से आपका पूरा एरर फाइंड हो गया। तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया दोस्तों, पूरा एरर टॉपिक हमने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। ठीक है, इस तरह से सभी एरर को फाइंड किया जाता है।